सिया रानी के अचल सुहाग रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, दुल्हा रामों के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी, सखियां कह रही हैं कि जब तक पृथ्वी यही शीश रहे, गंगा सरजू की धार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक ये बानक बनार, ये बना रहे वो बनी रहे, दो बना बनी में बनी रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, नित नित ये दुल्हा बनार, श्री जानकी महल विराज रहे, जानकी महल बिहारी विराज रहे, प्रेमी जन का आज हम लोग अहो भाग्य है। गोस्वामी जी ने लिखा साफ, मतलब एकदम गारंटेड, क्या हम सब सकल सुकृत के राशि, अभय जग जननी जनकपुर वासी। हम लोगों ने जनकपुर वासी हम लोग हैं, सुकृत के राशि हैं, क्यों? इसलिए सुकृत के राशि हैं, जिन जानकी राम छवि देखी, अको सुकृति हम सरिस देखी। इस प्रकार से लोग ठाकुर जी को हमारे दुल्हा दुल्हन का आशीर्वाद देते हैं। आखिरी है, श्री जानकी महल बना रहे, प्रेमी जन का बड़भाग रहे, जैसे आप भी बड़भागी हैं जो यहाँ पर आकर के ठाकुर जी का अवलोकन नहीं दर्शन कर रहे हैं, दुल्हा दुल्हन का, है कि नहीं? ये बना रहे वो बनी रहे, दो बना बनी में बनी रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, दुल्हा राम के सिर पर ताज रहे। बोले दुल्हा सरकार की। नमस्कार, मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। और आप अभी जिन्हें सुन रहे थे उनका नाम राघवेंद्र शरण व्यास है और वे अयोध्या के मशहूर जानकी महल ट्रस्ट में व्यास का काम करते हैं, प्रभु सिया राम की आराधना करते हैं। और हम आपको आज इसी जानकी महल ट्रस्ट का सैर कराने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अयोध्या आने का प्लान करते हैं तो अयोध्या के कुछ चुनिंदा जगहों में से जानकी महल एक जगह है जहां रहने खाने का बहुत ही बेहतर बंदोबस्त है। तो चलिए चलते हैं जानकी महल ट्रस्ट के अंदर और देखते हैं क्या कुछ यहां बंदोबस्त है। और अब हम आ चुके हैं जानकी महल के अंदर। आप देख सकते हैं कि सामने ये जानकी बिहार कुंज मंदिर है, यहाँ सीताराम की मूर्ति लगी हुई है, इधर भी मंदिर है, यहाँ दिन भर भजन कीर्तन चलता रहता है। गरीबों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंगर भी लगे हुए हैं, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, ठहरते हैं और सक्षम नहीं हैं अपना खर्च उठाने में, उनको खाने पीने रहने की बंदोबस्त यहाँ मुफ्त में है। तो इस तरह से यहाँ व्यवस्था है कि भजन कीर्तन के साथ खाना भी खा सकते हैं। जानकी महल के अंदर आते ही आपको सामने राम और सीता जी की मूर्ति दिखती है, मंदिर है, और उससे पहले पार्क है। ये पार्क आप देख सकते हैं, ठीक ठाक बड़ा पार्क है, एक मतलब धर्मशाला में जिस तरह का से पार्क की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल तारीफ़ के योग्य है। और इसको न सिर्फ पार्क बना दिया गया है बल्कि इसको मेंटेन भी रखा गया काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये सब चीज़ें जो है जानकी महल के अंदर है। चलिए हम आपको मंदिर में लिए चलते हैं, सीताराम जी के मंदिर में। आइए वहाँ देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। जैसा कि देखा कि मंदिर में, जानकी महल के मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति लगी हुई है सामने। जो भी श्रद्धालु यहाँ ठहरते हैं वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं इस वक्त। पुजारी जी, ये बताइए कि जानकी महल में
पूजा की क्या व्यवस्था है और किस तरह से आप लोग करते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको आप किस तरह से एंटरटेन करते हैं? देखिए, यहाँ पर भगवान की सेवा जो है अष्टयाम विधि से होती है, आठ आरती होती है, आठ भोग लगते हैं, और मतलब दिन भर में आठ आरती, दिन भर में आठ आरती, आठ भोग। इसके बाद जो है यहाँ पर जो भगवान की सेवा है वो जनकपुर की भावना से की जाती है, मिथिला की भावना से। तो चलिए हम बात करते हैं कि और क्या कुछ है इस जानकी महल में। और बड़ी संख्या में यहाँ कमरे हैं बने हुए, और हर तरह के कमरे हैं, जिसमें एसी नॉन एसी दोनों तरह के कमरे हैं। आप जैसी चाहे वैसी सुविधा यहाँ ले सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मुफ्त में भी रहते हैं, और यहाँ लंगर की भी व्यवस्था है, लोग लंगर खा करके भी यहाँ रह सकते हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि लोग मुफ्त में भी यहाँ रहते हैं? मुफ्त में यहाँ जो है गरीब आदमियों के लिए जो है तो करीब 150 गरीबों के लिए दैनिक भोजन यहाँ चलता है जी, जी। हाँ, लगभग, और अधिक भी अगर कभी मौके पर हो जाए तो भी चलते हैं जी, जी। और अस्पताल है अपने यहाँ, एलोपैथिक होम्योपैथिक, अच्छा, मुफ्त निःशुल्क चिकित्सा है जी, जी, जी। तो अच्छा, जो मान लिया जाए कि मिडिल क्लास का फैमिली जो यहाँ ठहरता है, तो उसके लिए मतलब कैमरे की क्या शुरुआत होती है? सुबह कैमरे जो है जैसे नॉन एसी कैमरे हैं तो कैमरे तो सस्ते ही हैं, कोई खास महंगे नहीं है ज़्यादा। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं कमरों में कि किस तरह के यहाँ देखते हैं कि कमरे हैं। तो चलिए चलते हैं, और अब हम जानकी महल के एक एयर कंडीशनर रूम में आ गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसी व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो बेड लगे हुए हैं, और कमरे का फर्श भी मार्बल लगा हुआ है फर्श पे। और ये एक कमरे में एसी है, फैन है, इसके अलावा किचन है, किचन की व्यवस्था है यहाँ पे। और जो यहाँ ठहरे हुए हैं वो आसाम से हैं, सीताराम बाहती और लक्ष्मी देवी वाहेती, ये दंपत्ति जो हैं यहाँ ठहरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ अक्सर आती हैं? हाँ, आती है जी, जी। रामनवमी पर, राम विवाह पर जी, और बीच में भी कभी मौका मिले तो आ जाते हैं जी। कैसा लगता है माता जी यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है आपको यहाँ? राम जी का मंदिर। राम जी का मंदिर, आपकी भी एक मंदिर है यहाँ? भगवान का बनाया हुआ है। हाँ, जोर बोल, वो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। सब कहते हैं कि भगवान ही बुलाते हैं यहाँ, तो सब कुछ भगवान का ही किया हुआ। हमारे ससुर जी ने बनाया है जी, जी, जी। तो वहाँ भी जाती होंगी आप? हाँ, जाते हैं जी, जाते हैं जी। तो यहाँ आके मतलब पूरा शांति अनुभव होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगती है, मन भी खूब लगता है जी, जी। और यहाँ व्यवस्था मतलब कैसी है? हमारे तो रूम में बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। तो ये यहाँ आने वाले लोग जो यहाँ ठहरते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर ऐसे तो जानकी महल में खाने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप खुद से खाना बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि ये किचन इस रूम के साथ है, और इधर जो है ये स्टोर भी दिया गया है जी, जी। तो इसमें स्टोर भी है कि आप अपने सामान वगैरह स्टोर में रख सकते हैं, ताकि आपका रूम जो है खाली खाली लगे। ये कमरे में आलमीरा भी बड़ा सा है, और दीवार पे जो है जानकी महल में की जो मंदिर, इष्ट देवता की जो मंदिर है, सीताराम जी की मंदिर है, वो यहाँ मंदिर की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई है। बाथरूम भी अच्छा, बड़ा बाथरूम है, और बाथरूम में जो है खास करके बुजुर्गों को जी, जी, इसके लिए अलग बेसिन है जी, जी। चलिए, बाथरूम व्यवस्थित है जी, जी। टॉयलेट के लिए अलग बेसिन है, और ब्रश वगैरह करने के लिए अलग बेसिन लगाया हुआ है, क्योंकि धार्मिक स्थलों में ऐसी ही मान्यताएं होती है। और साथ में गीजर भी लगा हुआ है इस मतलब बाथरूम में, किचन में अलग जी है। और यहाँ वैसे यहाँ आरओ लगा हुआ है जी, जो मुख्य भोजनालय है वहाँ आरओ लगा हुआ है, तो पीने का पानी जो है
वो आरओ से मंगवा लिया जाता है, वही यूज़ होता है। सर ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और कैसी व्यवस्था है यहाँ के बारे में बताइए। मैं जोरहाट आसाम से आया हूँ और यहाँ पिछले 30 सालों से कम मैं आ रहा हूँ लगातार। यहाँ राम विवाह और राम जन्म के हर मौके पे हम आते हैं। अब 30 साल से हम लगातार जब आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था में 15-15 दिन रुकते हैं तो निश्चित ही व्यवस्था तो अच्छी होगी, तभी हम रह पाते हैं यहाँ। भोजन की व्यवस्था है और विभिन्न मंदिर है, आस्था का बहुत अच्छा स्थान है। भगवान राम जानकी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर, भगवान गणेश का मंदिर और राम लला का मंदिर, ये जो अयोध्या के आस्था के प्रतीक हैं वो पांचों मंदिर इनके परिसर में है और बहुत सुंदर अष्टयाम सेवा उनकी होती है। हमारा बहुत मन लगता है, हम परिवार सहित यहाँ आते हैं, रुकते हैं और सिक्योरिटी, भोजन व्यवस्था, अपनत्व सारा सब कुछ हमें यहाँ प्राप्त होता है। और कुछ पूछना चाहते हैं? जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि यहाँ जो पूजा की पत्ती है वो जनकपुर विधि से होती है, जो कि खास है अपने आप में, कि जो कहीं नहीं भारतवर्ष में। देखिए ऐसा है, ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, ये लोग ज़्यादा बता पाएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि इसको, ये स्थान जो है ये मिथिला का प्रतीक है। यहाँ जानकी जी के यहाँ दूल्हा के रूप में भगवान राम आए हुए हैं, यहाँ दूल्हा सरकार कहते हैं इन्हें। यानी ये जनक जी का स्थान है जहाँ पर जानकी जी का विवाह हुआ समझो, और इसलिए यहाँ राम विवाह का हर साल मनाया भी जाता है। दूल्हा सरकार आपको मतलब बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए बार बार आते हैं परिवार के? हमें तो दूल्हा सरकार की बात नहीं, हमें तो अवध के कण कण से प्रेम है। ये जानकी महल की बात नहीं है, महत्ता अवध की है, जानकी महल की नहीं है। जानकी महल अवध में स्थापित है और यहाँ पर भगवान का ये दूल्हा सरकार का स्वरूप यहाँ पर रखा हुआ है। तो जिसी भी स्वरूप में हो, जिसी भी रूप में भगवान यहाँ पे हैं, हमें तो अवध और सरयू प्रेम इनसे है, इसी की वजह से जानकी महल से भी हमारा लगाव और अपनत्व है। अच्छा लगा, शांति भी है और माहौल भी अच्छा है। माहौल भी अच्छा है जी। आप बताइए माता, काशी से आए हम लोग। काशी से आए हैं, काशी जी से आए हैं, वहीं रहते हैं, वहीं शादी हुई, वहीं सब परिवार है, अयोध्या जी दर्शन करने आए। आप बताइए, काशी से आए हैं दर्शन करने। ये बताइए कि यहाँ मतलब जानकी महल में आके कैसा लगा? अच्छा लगा, शांति लगी। सबसे ज़्यादा शांति तो काशी में। काशी तो मोक्षदायिनी है भाई जी, अच्छी तो हमारी मोक्षदायिनी है, बाबा की नगरी है। हम लोग जयपुर से आए हैं। जी जयपुर से आए हैं, कितने दिनों से ठहरी हुई? हम लोग 5-6 दिन से। कैसी व्यवस्था है, क्या है? अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ आप जैसे पुजारी जी बता रहे थे दूल्हा दुल्हन का ये है, तो अच्छा लग रहा है? यही भाव है, बहुत अच्छा लगता है। जी। ये सुनने को ही कहाँ मिलता है, आगे के अपन सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। खुश हैं एकदम? बहुत खुश नहीं, आनंदित। आनंदित है खुश, तो भौतिक सुखों से होता है आदमी, और आनंद ईश्वरीय सुख से मिलता है। आत्मा आनंद आत्मा को होता है और खुशी शरीर को होती है, इसलिए हम आनंदित हैं। आप दोनों आए हैं? हाँ हम दोनों आए हैं। आप लोग रिटायर्ड हैं? हाँ रिटायर्ड हैं। जयपुर से आए हम लोग, मैं सोचा ही। तो जानकी महल में पहली बार आए हैं या मतलब पहले? पहले भी आए हैं, मतलब आते रहते हैं। हाँ 92 में भी हम आकर के यहाँ ठहरे हैं, रहे हैं। 40 लोग आए थे जब तुम ज़्यादा आए थे ग्रुप, अभी हम दोनों ही आए हैं। तो जानकी महल ट्रस्ट में धर्मशाला में ठहरने वाले श्रद्धालु इसी तरह से यहाँ की प्रशंसा करते हैं, यूँ कहें कि प्रशंसा के पुल बांध देते हैं। तो इनके सुनने के बाद
चलिए हम मिलते हैं प्रबंधन से और यहाँ के प्रबंधन से जानते हैं कि जानकी महल में क्या कुछ खास है। ये जानकी महल में देखिए जो भी पर्यटक आते हैं उनके लिए रहने के लिए कमरे हैं और उनके भोजन के लिए दोनों समय जो भगवान को भोग लगता है वही भोज प्रसाद के तौर पे यात्रियों को परोसा जाता है। यहाँ जो यात्री मतलब आते हैं पर्यटक होते हैं अगर वो घर बैठे मतलब कमरा बुकिंग करवाना चाहें रहने खाने के लिए बुकिंग करवाना चाहें तो वो कैसे समझा? वो ऑनलाइन कर सकते हैं या तो फ़ोन करके कर सकते हैं या जानकी महल पे मतलब मेल कर सकते हैं जानकी महल की ऑफिशियल मेल आईडी पे तो मेल के थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं फ़ोन के थ्रू भी बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ के बारे में है कि बहुत ही सस्ता और उपलब्ध है तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ कोशिश की जाती कि जो भी यात्री आए उन्हें सब्सिडी रेट में अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल जाए खाने पीने की रहने की। पूजा पाठ की व्यवस्था है ठाकुर जी का मंदिर है और इसके अलावा चार मंदिर और हैं यहाँ पे और यात्री आते हैं पूजा पाठ करते हैं और रहते हैं खाते हैं प्रसाद ग्रहण करें ठाकुर जी का। और तो सुना है आपने जानकी महल के प्रबंधक को, अगर आप भी अयोध्या आने का प्लान बना रहे हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन यहाँ जानकी महल में कमरे का बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते तो फ़ोन के ज़रिए भी बुकिंग करवा सकते हैं। हम आपको बता दें कि जानकी महल नयाघाट सरयू नदी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दोनों तरह के एसी और नॉन एसी कमरे मौजूद हैं। प्रबंधन से जुड़े लोगों के मुताबिक नॉन एसी कमरे 300 रुपये में और एसी कमरा 1200 रुपये तक में मिल जाता है। और अब हम जानकी महल के भोजनालय के पास आ गए हैं। आप देखिए ये भोजनालय है, यहाँ भोजन बनता है और यहीं पे श्रद्धालु पर्यटक जो हैं बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। बात करें खाने की तो सुबह में दोपहर के 12:30 बजे भोजन मिलता है और रात में 8:30 बजे। बात करें खाने की क्वालिटी की तो ये बहुत ही अच्छा और बिल्कुल घर की तरह होता है। अगर आप अयोध्या आते हैं और जानकी महल में ठहरते हैं और मान लिया जाए आप घूमने नहीं गए तो दिन भर मंदिर में आप भगवान की पूजा अर्चना में व्यस्त रह सकते हैं, उनके चरणों में आप लीन रह सकते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की गई है और अच्छी बात है कि यहाँ जो सीता माता हैं उनको प्रधानता दी गई है। यहाँ जनकपुर के भावना से जनक महल का जो है स्थापना किया गया है। तो जैसा पुजारी जी ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा धर्मशाला है, बहुत पौराणिक धर्मशाला है। अवध धाम में मिथिला पुरी बनाया गया है और मिथिलापुरी इस प्रकार बना जहाँ पर हम खड़े हैं जी। इसका नाम श्री जानकी महल है जी। और जानकी महल इसलिए नाम पड़ा कि जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया उनका नाम था मोहनलाल जी केजरीवाल और देवरिया डिस्ट्रिक्ट के थे तो उन्होंने श्री जानकी जी को अपना बेटी माना जी। जब किसी लड़की को बेटी मान लेंगे तो उनका विवाह करेंगे तो दामाद हो जाएंगे तो यहाँ पर विवाह हुआ राम जी का तो दामाद के रूप में राम जी महाराज यहाँ विराजमान हैं जो कि सामने आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से दामाद की खातिरदारी होती है और दामाद के सखियाँ लोग साली सरहर लोग किस प्रकार से व्यंजन नाना छप्पन भोग बना कर खिलाते हैं ये तो 3 लोग के 14 भुवन के मालिक हैं राम जी। उपबीत ब्याह उछाह मंगल गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा उपबीत ब्याह उछाह मंगल उपबीत मतलब राम जी का यज्ञोपवीत ब्याह ब्याह सीताराम विवाह है ना विवाह ब्याह लोग कहते हैं विवाह हमारे गोस्वामी जी ने लिखा उपबीत ब्याह विवाह मंगल सुनी जे सादर गावहीं अब वैदे ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं है ना तो सिय रघुवीर विवाह। देखिए जानकी महल है इसके विषय में वर्णन करता हूँ सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनई जो श्री सीताराम जी महाराज के विवाह गाते हैं और जो सीताराम जी के विवाह करते हैं
यजमान हो चाहे कोई हो, नहीं कोई करेंगे तो जानकी महल ट्रस्ट खुद कराएगा। हाँ, तो सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गाँव में सुनई तिनका सदा उछा मंगलाय तन राम जस। उनके घर में भी सीताराम जी इसी प्रकार से विवाह महोत्सव करते हैं। और यहाँ जो है सबसे बड़ी दिव्य, पूरे भारतवर्ष में आप घूम लीजिए, मैं यहाँ की नहीं कहता हूँ, पूरे भारतवर्ष जो यह पद्धति है वो मिथिला पद्धति है। जैसे कि अष्टयाम सेवा, आठ बार आरती, आठ बार भोग, जब ठाकुर जी जगाते मैं उस प्रकार जगाता हूँ, अब जागो मोहन प्यारे, अब जागो राघो प्यारे। जब हम जगाते हैं तो ठाकुर जी जागते हैं, हम भोजन कराते हैं तो ठाकुर जी भोजन करते हैं, हम आरती गाते हैं तो ठाकुर जी की आरती होती है। तो इस प्रकार से अष्टयाम सेवा, पहला आरती मंगला आरती होती है, दूसरी आरती मंगला आरती, दो लाइन आप, हम चाहेंगे कि दर्शकों के लिए आप दो लाइन गुनगुना दें एक बार, अगर हो तो आ जाइए सुबह में जी, जी। अगर, तो पूरी आरती का मंगल आरती करत सहचरी कंचन को पर मंगल भरी, मंगल आरती करत सहचरी। इस संगीत में जो है हर राग में यहाँ गाई जाती है, सुबह का भैरव, भैरवी राग में ठाकुर जी को हम लोग सेवा करते हैं। उसके बाद अब श्रृंगार आरती होती है, तो श्रृंगार के नाना प्रकार के आरती हैं, तो उस पर दुल्हा की भी आरती गाते हैं। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, नैन कजरवा अलक घुंघरारी काली, कनवा में कुंडल सो है उठवा पैपान कलाली। सखी है निहारू निहारू रघुनंदन दुल्हा के, तन मन धन वारू रघुनंदन दुल्हा। सखियाँ कहती है अरे भाई हमारे दुल्हा को टोना मत लगाना, आजकल भगवान को भी टोना लोग लगा देते हैं, तो इसलिए राइलोन करती है। कोई सखी राइलोन उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन पहुना के। इस प्रकार से जो है हम लोग दुल्हा सरकार हमारे विराजमान है, दुल्हा को हम लोग लाड लड़ाते हैं। उसके बाद देखिए एक और बड़ी चीज़ है कि मिथिला में जो है अयोध्या में आशीर्वाद लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ जी जी। कहते हैं ना कनक भैयारी जी आइए, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। इस प्रकार से टाइम लगेगा बहुत, लेकिन मिथिला में हमारी सखियाँ हमारे दुल्हा सरकार के, दुल्हीन सरकार श्री किशोरी जी आशीर्वाद देते हैं साहब जी जी, कि हमारे दुल्हा दुल्हीन चिरंजीवी रहें, दो शब्द। और विवाह में मैं पूर्णाहुति इसी शब्द से, इसी भजन से पूर्णाहुति करूँगा, करता हूँ। सिया रानी के अचल सुहाग रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, दुल्हा रामू के सिर पर ताज रहे, जब तक पृथ्वी, सखियां कह रही हैं कि जब तक पृथ्वी यही शीस रहे, गंगा सरजू की धार बहे, नव में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक ये बानक बनार, ये बना रहे वो बनी रहे, दो बना बनी में बनी रहे, सुहाग रहे सिर ताज रहे, नित नित ये दुल्हा बनार, श्री जानकी महल विराज रहे, जानकी महल बिहारी विराज रहे, प्रेमी जन का आज हम लोग अहो भाग्य हैं। गोस्वामी जी ने लिखा साहब, मतलब एकदम गारंटेड, क्या हम सब सकल सुकृत के राशि, अभय जग जननी जनकपुर वासी,
हम लोगों ने जनकपुर वासी हम लोग हैं, सुकृत के राशि हैं। क्यों? इसलिए सुकृत के राशि हैं, जिन जानकी राम छवि देखी अको सुकृति हम सरिस दिसेखी। इस प्रकार से लोग ठाकुर जी को हमारे दुल्हा दुल्हन का आशीर्वाद देते हैं। आखिरी है, श्री जानकी महल बना रहे प्रेमी जन का बड़भाग रहे। जैसे आप भी बड़भागी हैं जो यहाँ पर आकर के ठाकुर जी का अवलोकन नहीं दर्शन कर रहे हैं, दुल्हा दुल्हन का, है कि नहीं? ये बना रहे वो बनी रहे, दो बना बनी में बनी रहे, सिया रानी के अचल सुहाग रहे, दुल्हा राम के सिर पर ताज रहे। बोले दुल्हा सरकार की। तो ये थे राघवेंद्र शरण व्यास, जो हर रोज इसी तरह से जानकी महल धर्मशाला में अपने दिलकश आवाज में प्रभु श्री राम की कथा सुनाते हैं, उनकी अष्टांग सेवा करते हैं। और हम आपको बता दें कि पूरे अयोध्या में जानकी महल एक ऐसा जगह है जहां मिथिला भाव से सियाराम की सेवा की जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जानकी महल में ठहरने के क्या फ़ायदे हैं। यहां से सस्ते में ठहर और खाना तो खा ही सकते हैं, लेकिन राम और सीता का प्रसंग भी पूरे दिन मुफ्त में सुन सकते हैं। तो बहुत ही कठिन कोशिश के बाद हम आप तक ये तमाम सूचनाएं पहुंचाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक पुख्ता सही जानकारी पहुंचाएं। और इसी लिहाज से हम संबंधित अधिकारी, प्रबंधक और मैनेजर कहें, उनसे बात करते हैं और तमाम सूचनाएं जो है आप तक सही सही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलते चलते हमारा आपसे गुजारिश है कि आप नमस्ते भारत को सब्सक्राइब करें, स्टोरी अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के बीच शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसे पूरा करने की ईमानदार कोशिश करेंगे। नमस्कार।